पूर्ण व्यवस्था रच कर तूने मानवता को लजाया। हाय रे मनु तूने कैसा विधान जाति को बांटा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में मानव जाति को बांटा। नीच बताकर शूद्रों को तुम दिया दर्द का काटा। दिया दर्द का काटा। दिया दर्द का काटा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में मानव जाति को बांटा। निम्न बताकर शूद्रों को तुम दिया दर्द का काटा। दिया दर्द का काटा। दिया दर्द का काटा। आगे क्या लिखा है मनु ने। आगे क्या लिखा है मनु ने। रागी कहे जवानी अपने दिल को संभालो यारो। दर्द भरी है कहानी। दर्द भरी है कहानी। दर्द भरी है कहानी। यानी मानव को वर्ण व्यवस्था में बांट दिया, जातिवाद में बांट दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट दिया और क्या क्या कर दिया सुनो। ब्राह्मण वेद पढ़ेगा लिख कर सूत्र नहीं पढ़ पाएगा। ब्राह्मण वेद पढ़ेगा लिख कर सूत्र नहीं पढ़ पाएगा। क्षत्रिय शस्त्र चलाएगा पर सूत्र न हाथ लगाएगा। सूत्र न हाथ लगाएगा। सूत्र न हाथ लगाएगा। वैसे जोड़ कर धन रखेगा। वैसे जोड़ कर धन रखेगा और सूत्र मांग कर खाएगा। झोपड़ पट्टी में रह करके जीवन नर्क बिताएगा। जीवन नर्क बिताएगा। जीवन नर्क बिताएगा। इस भोले मानव को तूने भोले मानव को तूने ऐसा चेहरा मिलाया। हाय रे मनु तूने कैसा विधान बनाया। हाय रे मनु तूने कैसा विधान बनाया। कुदरत के सुन
सुंदर पुतले की क्या हालत कर डाली, देख के पंजर ऐसा मेरी आंखों में आ गई लाली, ओ आंखों में आ गई लाली, ओ आंखों में आ गई बेटा। बचल तू पग चिन्ना तो चिन्ह कहीं बन जाए ना, बचल तू पग चिन्ना तो चिन्ह कहीं बन जाए ना, ताकि स्वर्ण का पैर कहीं तेरे पग चिन्ह पड़ जाए ना, पग चिन्ह पड़ जाए ना, पग चिन्ह पड़ जाए ना। सुता है तो हांडी में थूकना, धूप जमी गिर जाए ना, तेरे धूप से ये धरती कहीं दूषित ये हो जाए ना, दूषित ये हो जाए ना, दूषित ये हो जाए ना। लिखने में क्यों नहीं तेरा दिल घबराया, हाय रे मनु तूने कैसा विधान बनाया, तूने कैसा विधान बनाया। अरे तब भारत का भी मुराद ने एक संविधान बनाया, दिलवा करके हकवावा ने सबका मान बढ़ाया, सबका मान बढ़ाया, सबका मान बढ़ाया। इस भारत में भीम हमारा, इस भारत में भीम हमारा सूरज बन कर आया, सारा जग हर साया हो, सारा जग हर साया। भगवान बुद्ध कहते हैं, हे सुनीत तुम नीच अछूत शूद्र नहीं हो, कुछ लोगों ने आप लोगों को नीच अछूत कहकर के अपना उल्लू सीधा किया है, धर्म ग्रंथों में तमाम ऐसी बातें लिख करके इंसान को बहुत नीचा गिराने का काम किया है। ऊंच नीच ना जग में कोई, ऊंच नीच ना जग में कोई, व्यर्थ की राह फैलाई है, सारे जग को समान मानो हर इंसान तो भाई है, सारे जग को कुछ लेखक और कवियों ने झूठे ग्रंथ लिख दिए हैं, झूठे ग्रंथ लिख दिए हैं, झूठ डाल दी है मानव में मौज आज लोकी है, मौज आज लोकी है, मौज आज लोकी है। मानव नहीं समझता उनकी वो चतुराई है, सारे जग को समान मानो हर इंसान तो भाई है, मेरा यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनको कहना है
कि चाहे भगवान बुद्ध हो या परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध ने जहां जातीयता के प्रति आंदोलन खड़ा किया और उनको समान जिंदगी जीने का अवसर दिया, ठीक वैसे ही परम पूज्य बाबा साहब ने भी पूरे जीवन पर्यंत इस जातिवाद का संघर्ष किया और संविधान देकर के एक सूत्र में बांधने का काम किया। बाबा साहब आप लोगों को कहकर के गए और बुद्ध ने संदेश दिया कि मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जाति पात का भेद मिटा के सबको गले लगाओ तुम, और छोड़ के आडंबर दुनिया के बुद्ध शरण में आओ। करुणा के सागर बोलती कि निदान सम्यक सम भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि संसार में कुछ लोगों ने जातिवाद के दीवारों